दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन 10वीं कक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कल हमने 1 से 5 पार्ट तक के प्रश्न उत्तर देखे थे, आज अपन 6 से लेकर 9 पार्ट तक के प्रश्न उत्तर देखेंगे। यानी आपके केमिस्ट्री के प्रश्न अपन ने कल हल कर लिए थे, आज अपन बायो के प्रश्न हल कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम फिजिक्स के प्रश्न भी हल कर लेंगे। तो इस प्रकार आपके 3 साढ़े 3 घंटे में पूरी 10वीं की विज्ञान का रिवीजन हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको आप एक बार देख लेना ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 6ठा पार्ट है हमारा जैव उपक्रम, है ना। बायो के लेसन लिए हैं आज और बायो के लेसन के प्रश्न मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो देखना आप पहला प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, है ना। जो किडनी होती है वो हमारे किस तंत्र से संबंधित होती है, तो किडनी हमारे उत्सर्जन से संबंधित होती है ना। मनुष्य द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंगी क्या होते हैं, किडनी होती है, जिनकी संख्या 2 होती है, एक जोड़ी होती है ना। पोषण तो सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना, वो पोषण आएगा, है ना। श्वसन O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, श्वसन आएगा। परिवहन यानी रक्त का परिवहन हमारे शरीर में धमनिकाओं सिराओं के द्वारा होता है, तो वो परिवहन आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, नंबर 3, है ना। दूसरा प्रश्न, स्वयंपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको पता है जो पेड़ पौधे हो गए वो क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, और स्वयंपोषी होने के लिए उसमें क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर स्वयंपोषी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो CO2 की भी होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है और सूर्य के प्रकाश की भी होती है। तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है। तो रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है, आपको पता है रुधिर का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है ना। जो रक्त का कितना प्रतिशत भाग होती है, 55% भाग, है ना, और बाकी 45% भाग होती है आपकी रक्त कणिकाएँ, है ना। रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती है, एक तो RBC ये दे रखी, एक होती है WBC और एक होती है आपकी पट्टिकाणु, है ना, पट्टिकाणु। और पट्टिकाणु क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। और RBC में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। WBC बाहरी जीवाणु से रक्षा करती हैं, इसलिए इनको सैनिक कणिकाएँ भी कहते हैं। और कोशिकाएँ तो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, जो रक्त का 55% भाग होती है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है। तो देखो पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है, अग्नाशय में तो पूर्ण नहीं होती है ना, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ग्रास नली में भी अपाचन की मुख्य भूमिका नहीं होती है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और छोटी आंत में आपको पता है कि पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है ना। छोटी आंत में अंगुली जैसे उपारनुमा संरचना के दीर्घ रोम होते हैं जो भोजन के तलीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। जैव उत्प्रेरक किसको कहते हैं, उत्प्रेरक किसको कहते हैं, उत्प्रेरक वे होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। अभी कह रहे जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो जैव उत्प्रेरक को कहते हैं एंजाइम कहते हैं ना। एंजाइम भी क्या करते हैं, स्वयं तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन किसी भी कार्य को की गति को प्रभावित करते, तो एंजाइम कहलाते हैं। जैसे पेप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और आपके लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन करते हैं। तो ये पाचन की क्रिया को बढ़ा देते हैं, उनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अम्ल तो आपको पता ही है, जो H+ आयन त्यागते हैं उनको अम्ल कहते हैं, क्षार वाइज नेगेटिव आयन ग्रहण करते हैं, और अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण बनाते हैं ना। तो इन तीनों को भी मैंने आपको बता दिया है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है शुद्रांत होता है ना, सबसे लंबा होता है ना शुद्रांत। आमाशय तो नहीं होता है ना, वृद्धांत का वृद्धांत लंबा भाग नहीं होता, ये थोड़ा इसका व्यास अधिक होता है वृद्धांत, इसलिए इसको वृद्धांत कहते हैं ना। और शुद्रांत का व्यास कम होता है, लंबाई इसकी ज़्यादा होती है। मछली के मुख्य श्वसन अंग कौन से, तो ये क्लोम होते हैं ना, जिनको गिल्स कहते हैं। तो जब द्वारा मछली श्वसन नहीं करती, फेफड़े तो मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, और नाक होता है श्वसन का प्रमुख प्रवेश द्वार होता है मनुष्य का, है ना। नेक्स्ट,
मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में होते दो कोष्ठ होते हैं ना, एक अलिंद और एक निलय होता है, ये याद रखना। तीन तो रेप्टाइल्स में होते हैं ना, रेंग कर चलने वाले, और मगरमच्छ में 3.5 कोष्ठी हृदय होता है, याद रखना। 4 कोष्ठी मनुष्य का होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट, किस वाहिका में वाल्व नहीं होते? वाल्व यानी कपाट। कपाट क्या करते हैं? रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं ना। तो किस में वाल्व नहीं होते? तो धमनी में वाल्व नहीं होते। सिरा में तो वाल्व लगे होते हैं ना, सिरा और धमनी का पता है। सिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है, और धमनी का क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है ना। तो याद रखना, धमनी लाल कभी कपट नहीं होता, यानी धमनियों में कपाट नहीं होते, वाल नहीं होते। नेक्स्ट, पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन तो जाइलम करते हैं, तो भोजन का परिवहन कौन करेंगे? फ्लोएम करेंगे, ठीक है। जल का परिवहन पूछे तो जाइलम, और रेसे तो रेसे किसी का परिवहन नहीं करता है ना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन किस रूप में बाहर निकलती है? जल के रूप में, H2O के रूप में, है ना। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण आपको याद होगी, है ना, 6CO2+12H2O, और क्लोरोफिल पर और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6, और प्लस ये बना देगा आपका H2O, और ये CO2 बना देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसके रूप में बाहर निकलेगी? आपकी जल के रूप में बाहर निकलेगी, तो याद रखना है। नेक्स्ट, रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली जो वाहिकाएँ होती है क्या कहलाती? तो ये क्या कह रहा, हृदय से अंगों तक ले जा रही, तो हृदय से अंगों तक कौन ले जाएगी? हृदय से अंगों तक ले जाएगी आपकी हृदय से अंगों तक ले जाएगी धमनिका, है ना। तो ये याद रखना। नेक्स्ट, रक्त का थक्का कौन बनाती है? रक्त का थक्का बनाती है पट्टिकाणु बनाती है ना, जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, तो ये पट्टिकाणु प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती है। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो अभी अपन ने बात की थी, जल का तो जाइलम करेगा, है ना, और आपके भोजन पदार्थों का फ्लोएम करेगा, ठीक है। तो ये जाइलम आपका आंसर हो जाएगा। हार्मोन्स तो वे होते हैं जो नलिकाविहीन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वायवीय भाग जो होते हैं उनसे जल के निष्कर्षण की अभिक्रिया कहलाती है आपके वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसको इधर ले लेते हैं, बार बार परेशान करता है, वाष्पोत्सर्जन। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? तो अमीबा है ना कूटपाद, जिसको पादप कहते हैं, उसके द्वारा भोजन करता है ना। पेड़ तो अमीबा में होंगे नहीं, हाथ भी नहीं होंगे, और मुंह भोजन के लिए कोई मुख्य भूमिका नहीं होती। अमीबा एकोशिकी जीव होता है जो समुद्र में रहता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य की लार में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ अपने आमाशय में पाई जाती है ना, तो ये याद रखना। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है, तो ये आमाशय याद रखना। नेक्स्ट, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होती है वो क्या कहलाती है? तो ऊर्जा किससे मिलती है हमको? श्वसन की क्रिया से, है ना। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकाल दें, ऑक्सीजन क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करती है, ATP का निर्माण करती है ना, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको श्वसन आंसर हो जाएगा। इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथेनॉल बनता है आपका अवायवी श्वसन में, है ना, कब बनता है? अवायवी श्वसन में इथेनॉल। अवायवी श्वसन यानी O2 की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अवायवी श्वसन कहते हैं। उसमें बिल्कुल कम ऊर्जा मिलती है, केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और उसमें इथेनॉल बनता है। वायवी श्वसन में क्या होता है? O2 की उपस्थिति में जो श्वसन होता है इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो सर्वाधिक होती है, ठीक है। और दहन में तो इथेनॉल का निर्माण नहीं होगा, CO2 बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो वायवी और अवायवी श्वसन भी आप याद रखना। नेक्स्ट, ग्लूकोज का विखंडन होकर पाइरूवेट बनता है, यह क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये पाइरूवेट अम्ल बनता है, ये हमारे कोशिका द्रव में होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र बन चलता है ना, जिसको सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है जिसमें, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। केंद्रक में तो कुछ चक्र चलता नहीं, रिक्तिका में भी नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज से पाइरूवेट अम्ल बनता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो पाइरूवेट से विखंडन होगा, उससे ऊर्जा मिलेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, जिसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अवायवी श्वसन में मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो अभी बात की थी, अवायवी श्वसन में इथेनॉल बनता है, क्या बनता है? इथेनॉल बनता है।
स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो स्वस्थ शरीर का जो रक्तदाब होता है वो होगा 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg होगा, ठीक है, 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg होगा। 120 तो धमनिकाओं का, 80 हो जाएगा आपका सिराओं का, तो ये याद रखना। और इस स्वस्थ ये रक्तदाब मापने का जो यंत्र होता है इसको क्या कहते हैं, स्पेग्मोमेनोमीटर कहते हैं, स्पेग्मोमेनोमीटर कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, ठीक है। स्टीफन हेल्स ने इसकी खोज की थी, ये भी याद रखना, स्टीफन हेल्स ने इस यंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सबको बताए, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है उसको क्या कहते हैं? वायुकुप्पिका कहते हैं, कुप्पिका कहते हैं ना, जिनको फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं कुप्पिका। जैसे मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कुप्पिका होती है। उसी प्रकार आपको अगर कहे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो वो भी आप याद रखना, नेफ्रॉन होती है ना, किडनी की वक्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, तो तीनों आप याद रखना। नेक्स्ट, एंजाइम कार्बनिक होते हैं, तो एंजाइम होते हैं वो कार्बनिक जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो जैव उत्प्रेरक आप याद रखना। नेक्स्ट, यकृत एवं अग्न्याशय दोनों अपने स्त्राव किसमें भेजते हैं? शुद्रांत में भेजते हैं ना, आपको पता है यकृत में ऑर्निथिन चक्र चलता है जिसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और पीतरस का निर्माण भी आपके यकृत में होता है, पित्ताशय में नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट, शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन कौन करता है? तो ये लसिका करती है ना, वसा का जो वहन करती है वो कौन करती है? लसिका करती है, ठीक है। और रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो किसका वहन करता है? वो O2 युक्त रक्त CO2 और O2 का परिवहन करता है। नेक्स्ट, शुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रबद्ध पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको दीर्घरोम कहते हैं ना, और ये दीर्घरोम क्या करते हैं? पचित भोजन के तलीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ना, जिससे इसका अवशोषण अधिक होता है। नेक्स्ट, शुद्रांत में प्रोटीन का पाचन कौन? प्रोटीन का पाचन आपका ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम करता है, तो ये एंजाइम भी आप याद रखें, ट्रिप्सिन। हृदय में उल्टी दिशा में जाने को रोकने के लिए वाल्व या कपाट लगे होते हैं, तो ये भी आप याद रखना, ये वाल्व या इसको कहते हैं कपाट, जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ना, और कोशिका का पावर हाउस ये शक्तिग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ना, कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। ATP के विखंडन से कितनी ऊर्जा? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ये भी आप याद रखें। ये आ गया मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई, भी बताया मैंने, नेफ्रॉन वक्राणु कहते हैं ना। मछली के हृदय ऊपर प्रश्न आ गया था, दो कोष्ठ होते हैं, ठीक है। मनुष्य के हृदय में रक्त कितनी बार आता है? 2 बार आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, याद रखना। एक बार तो शुद्ध रक्त आएगा, एक बार अशुद्ध रक्त आएगा फेफड़ों में, ये फेफड़ों से हृदय में है ना, और हृदय से विभिन्न अंगों तक जाएगा, विभिन्न अंगों से सिराओं के द्वारा वापस हृदय में आएगा, और हृदय से वापस जो अशुद्ध रक्त होगा जो फेफड़ों में आएगा, फेफड़ों से CO2 बाहर निकल जाएगी, O2 मिल जाएगी। इस प्रकार हृदय में 2 बार रक्त आता है, इसलिए दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम वक्र द्वारा नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना क्या कहलाता है? अपवन, जिसको डायलिसिस कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो कृत्रिम रूप से उसका शुद्धिकरण किया जाता है रक्त का, उसको क्या कहते हैं? अपवन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग, ये तो सबको पता है, हरित लवक के कारण, पर्णहरित के कारण। पत्तियों में छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वार कोशिका के द्वारा होता है? पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं और द्वार कोशिकाओं के द्वारा रंध्र खुलते और बंद होते हैं, है ना, याद रखना। इसमें भी अलग अलग होता है, जैसे अधोरंध्री है, अधिरंध्री है, उभयरंध्री है। तो अधोरंध्री में वे पत्तियां जिनमें केवल निचली सतह पर रंध्र होते हैं, अधिरंध्री में केवल ऊपरी सतह पर होंगे, और जो उभयरंध्री होंगे उसमें क्या होगा? दोनों सतह पर समान रंध्र होंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है, याद रखना। नेक्स्ट, पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में स्थित होते हैं, ठीक है। पेशियों में किस अम्ल के कारण जमा होता है? तो लैक्टिक अम्ल, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब अपन दौड़ते हैं ना, तब हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है ना, अभाव होने के कारण हमारे जॉइंट में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जॉइंट में क्या होता है? दर्द होने लगता है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, और क्या, उभयचर, बहुत से सरीसृप में 3 कोष्ठी हृदय होता है ना, तो ये याद रखना, 3 कोष्ठी, लेकिन मगरमच्छ में 3.5 कोष्ठी है, वो भी आप याद रखना, ठीक है। रेप्टाइल्स में 3 कोष्ठी होता है। दीर्घरोम पाचन की क्रिया में क्या करते हैं? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। छोटी आंत में होंगे दीर्घरोम, और इसी कारण पाचन सर्वाधिक होगा छोटी आंत में, अवशोषण पचित भोजन का अवशोषण सबसे अधिक होगा, है ना। नेक्स्ट, वसा के वृहद अणु की छोटी छोटी गोलिकाओं विखंडन पायसीकरण कहलाता है ना,
स्पाइसीकरण कहलाता है। वसा के अणुओं का छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटना क्या कहलाता है? स्पाइसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र, जो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का शक्तिकरण। श्वसन में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होगा कोशिका द्रव में। ग्लूकोज से पाइरूवेट बदलेगा वो कोशिका द्रव में होता है, और पाइरूवेट के विखंडन CO2 जल बनेगा, वो बनेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट फेफड़ों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा? वायु कुपिका के द्वारा होता है। फेफड़ों में छोटी छोटी नली की संरचना होती है, उनको क्या कहते हैं? कुप्पिका कहते हैं ना। RBC का रंग लाल होता है, सबको पता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण है ना। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सीजन का पूरे हमारे शरीर में परिवहन करता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन सर्वाधिक तीव्र अभिक्रिया करता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हमारे शरीर में चली जाएगी तो यह हीमोग्लोबिन उसके साथ अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बना देगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस होती है। नेक्स्ट जाइलम में जल की गति के लिए वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल काम में आता है ना। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन है ना, तो ये भी आप याद रखना। ग्लूकोज में उत्पन्न करना श्वसन का, तो ग्लूकोज ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। लार में पाए जाने वाले एमाइलेज या उसको कहते हैं अपन टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज या टाइलिन, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लारी एमाइलेज जो जटिल शर्करा होती है उसको सरल शर्करा में बदलता है, जटिल मंड या शर्करा को सरल शर्करा में। मानव का मुख्य उत्सर्जी नाइट्रोजन उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? तो यूरिया है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट पोषण के आधार पर जीवों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयंपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वयंपोषी नाम से पता चलता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयंपोषी, और जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। स्वयंपोषी में पेड़ पौधे आ जाएंगे, विषमपोषी में सभी जीव जंतु आ जाएंगे। पेड़ पौधे स्वयंपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो इसलिए इसको स्वयंपोषी कहते हैं। और मनुष्य तो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, है ना। नेक्स्ट पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम, तो सिंपल प्रश्न है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों कौन से? जैसे मुंह, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, अग्न्याशय, लार ग्रंथि आदि, तो ये भी आप याद रखना। ये ग्रसनी होती है, ये श्वसन और पाचन का कॉमन द्वार होती है, ये भी आप याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखनी है अपन को, तो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? 6CO2 और ये आ गया आपका 12H2O, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की वजह से ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी, तो ये समीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है याद। दंत क्षरा किसे कहते हैं? वो पहले भी वर्णन पड़ रखा है कि दांतों का सबसे मजबूत पदार्थ होता है इनेमल, है ना, ये याद रखना। इनेमल सबसे मजबूत पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है मनुष्य के शरीर का। दंत क्षरण क्या? यदि हमारे मुँह का pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, है ना, 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत अत्यधिक क्षारीय हो जाएंगे और इस कारण दांत टूटने लगे, इसके लिए अम्लीय हो जाएंगे, इसलिए दांत टूटने लगे। और अम्लीयता के प्रभाव कम करने के लिए क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स पट्टिकाणु कहते हैं, और ये क्या करती है? हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। जब चोट लग जाती है ना तो 5 से 7 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है, तो ये पट्टिकाणु होती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पादपों में रंध्र खुलने और बंद होने की क्रियाविधि समझिए। तो पादपों में रंध्र खुलते और बंद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, और इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है, और छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में रंध्रों की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट लसिका क्या होती है? तो लसिका क्या होती है? रक्त के साथ जो सफ़ेद पदार्थ होता है ना, उसको लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव होता है, याद रखना। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होती, इसलिए इसका रंग सफ़ेद होता है ना। कोशिका भित्ति में उपस्थित छिद्रों से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशीय अवकाश में आ जाते हैं, तथा ऊतक तरल लसिका का निर्माण करता है। सूत्रांग द्वारा अवशोषित पाचित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, तो ये लसिका आप याद रखना। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण में होने वाली मुख्य घटना क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का ऊर्जा का अवशोषण करना,
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, CO2 और कार्बोहाइड्रेट का अपचयन और H2O जल और ऊर्जा का उत्पन्न देना। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, तो विभिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार है, तो तीन पथ होते हैं इसके, तीनों पथ याद रखने, कौन कौन से देखना। तो ग्लूकोज तथा पाइरूवेट अम्ल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उस अनुपस्थिति में होगा तो उसमें इथेनॉल बनेगा, ये छोटे छोटे जीवाणु होते हैं O2 की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं उसमें इथेनॉल बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मिलेगी, ये मनुष्य में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का अभाव होगा सबको पता है लैक्टिक अम्ल बनेगा, हमारे जॉइंट में दर्द होने लगे। तो एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और एक होगा ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है, तीनों याद रखना। कृत्रिम वक्रपोन क्या होता है, कृत्रिम वक्रपोन जिसको डायलिसिस कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के वक्र किडनी खराब हो जाती है ना, तो फिर क्या करते हैं अस्पताल में कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण करते हैं ना, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं, तो कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण ही डायलिसिस या कृत्रिम वक्र अपोहन कहलाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। पादपों में जल तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन, तो जल का परिवहन तो जाइलम उत्पाद द्वारा होता है, और आपके भोज्य पदार्थों का जो परिवहन होता है ये फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है, तो ये दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट, अमीबा में पोषण को सचित्र, अमीबा एक कोशिकीय की जीव होता है, इसमें खाद्यदानी होती है और वो भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्यदानी अमीबा कूटपात के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, कूटपात जिसको पादाप कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, शुद्रांत में पाचन की क्रिया, शुद्रांत कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है, इस कार्य के लिए शुद्रांत में आंतरिक रस होता है, यकृत और अग्न्याशय ग्रंथियों से पीत एवं अग्न्याशय रस प्राप्त करता है, पीत रस भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है ना, और वसा का इमल्सीकरण, वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा है ना, उसको इमल्सीकरण कहते हैं। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम से होता है, प्रोटीन का पेप्सिन एंजाइम से होता है, तो ये एंजाइम भी आप याद रखना। नेक्स्ट, वसा का पाचन, वसा का तो अभी बताया था, वसा का छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल जाता है उसको पाइसीकरण कहते हैं, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम से होता है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, आपको बहुत अच्छा सा चित्र बनाना आना चाहिए, और ये कह रहा है कि आमाशय में भोजन के पाचन की क्रिया विधि, तो आमाशय एक अंग्रेजी के जयाकर की संरचना का होता है ना, जिसमें भोजन 4 से 5 घंटे ठहरता है। आमाशय क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है ताकि भोजन में आए जीवाणु क्या हो जाए, नष्ट हो जाएंगे। तो आमाशय में पाचन की क्रियाविधि आपको याद रखनी है। मानव में पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है, तो पचित भोजन को शुद्रांत की भित्ति अवशोषित करती है, छोटी हाथ है ना, छोटी हाथ में अंगुली जैसे उपाय जैसी संरचना होती है जो भोजन के तली क्षेत्रफल को बढ़ा देती है ना, और वहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है, तो याद रखना छोटी हाथ। वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर, वायवी अवायवी श्वसन में आपको अंतर आना चाहिए। वायवी नाम से ही पता चला O2 की उपस्थिति में, ये होगा O2 की अनुपस्थिति में, इसमें उत्पाद CO2 जल बनेंगे, इसमें इथेनॉल बनेगा है ना, इसमें अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी वायवी श्वसन में 686 किलो कैलोरी है ना, और इधर आपको 56 किलो कैलोरी बहुत कम मिलेगी। ये जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जीवाणु यीस्ट एक कोशिकीय जीवों में होगा अवायवी श्वसन, याद रखना। मानव में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना और श्वसन की क्रियाविधि आपको आनी चाहिए, तो ये श्वसन का नामांकित चित्र बना लेना। और श्वसन की क्रियाविधि में क्या है, दो चीज़ याद रखना, एक तो होगा आपका नी श्वसन, एक होगा आपका उच्च श्वसन है ना, एक तो नी श्वसन, नी श्वसन यानी सजीवों द्वारा O2 को अंदर लेना क्या कहलाता है, नी श्वसन कहलाता है, और CO2 को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, यानी बाहर से O2 अंदर चली जाए तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, जब डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा तो CO2 बाहर निकल जाएगी तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, तो इस प्रकार श्वसन की क्रियाविधि आप याद रखना। मानव हृदय की संरचना का चित्र, मानव हृदय की संरचना का आपको चित्र बनाना, और उसमें आपको आना चाहिए मनुष्य हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय है ना, शिराए और धमनिका, इनके बारे में आपको याद रखना। नेक्स्ट, मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, मनुष्य के हृदय में रक्त 2 बार आके गुजरता है ना, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, उसके लिए ये नामांकित चित्र आपको आना चाहिए, दोहरा रक्त परिसंचरण का, ये हृदय है, ये फेफड़े है, ये विभिन्न अंग है ना, हृदय में रक्त 2 बार आ रहा है, 1 तो बार अशुद्ध रक्त आ रहा है, 1 शुद्ध रक्त आ रहा है, तो हृदय में मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त आता है, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, शिरा और धमनिकाओं में अंतर देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिरा और धमनिका, सिराएँ क्या करती है, रुधिर को अंगों से हृदय तक लाती है ना, और धमनिकाएँ हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनिकाओं में शुद्ध रक्त बहता है।
शिराओं में रक्तदाब कम होता है क्योंकि इनका व्यास अधिक होता है, उनमें रक्तदाब अधिक होता है क्योंकि धमनिकाओं का व्यास कम होता है। शिरा में वाल लगे होते हैं जबकि धमनिकाओं में वाल नहीं लगे होते। शिरा की दीवारें पतली होती हैं, इनकी क्या होती हैं, मोटी होती है, मजबूत होती है। तो ये आप याद रखना। मानव वक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है, नेफ्रॉन का चित्र बनाना है आपको, और वही नेफ्रॉन मानव की किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अनुस्वार के उपयुक्त स्थान पर प्रयुक्त शब्द वोमन संपुट एक्लोमेरुलर से समीपस्थ कुंडलित नलिका है, लेटू दूरस्थ कुंडलित नलिका है ना, ये आपके उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं ना। पत्ती का अनुपस्थ का चित्र को बनाना, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो श्वसन और के क्या कहते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नियंत्रण एवं समन्वय, सातवां पाठ। फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, तो फलों और बीजों में क्या होता है, कोशिका विभाजन अधिक होता है, तो उनमें साइटोकाइनिन की अधिक सांद्रता होती है, साइटोकाइनिन की। ठीक है, याद रखना। इथाइलिन तो क्या करता है, वजन ये इनको पकाने में, फलों को पकाने में सहायक होता है। एफसीसी अम्ल होता है, एफसीसी अम्ल क्या होता है, वृद्धि संधमक हार्मोन होता है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो न्यूरोन होती है। ठीक है, याद रखना, न्यूरोन तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है, तो मस्तिष्क होता है, जो सभी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। मनुष्य के किस भाग में सुनने देखने सोचने भूख के केंद्र पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अग्र मस्तिष्क में, और अग्र मस्तिष्क में भी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख प्यास का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है मेरुरज्जु, है ना, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जो अचानक संपन्न हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे आप जा रहे हो ना, अचानक सांप नजर आ जाएगी तो आप अचानक रुक जाओगे, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, उसको होने में बहुत कम समय लगता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया याद रखना। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती जाप कहाँ पर बनता है, तो ये भी मेरुरज्जु में बनता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या सभी के लिए, तो ये मस्तिष्क सभी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करेगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य क्या कहते हैं, उसको सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के मध्य का जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। एक्सोन और डेंड्रोन तो उनके ऊपर जो शाखाएं निकलती है ना, उनको कहते हैं ना तंत्रिका कोशिका की, ये तो ये एक्सोन और डेंड्रोन, और यहाँ पर आएगा खाली स्थान, इनको सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यकता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, पर्व संधियों की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन तो क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एफसीसी का अम्ल क्या करता है, वृद्धि संधमक हार्मोन है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। ऑक्सीजन क्या करता है, उसके लंबाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी यानी नलिकाविहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले रस को क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। एंजाइम तो हमने पढ़ लिया है ना, जो क्या करता है, पाचन की क्रिया को प्रभावित करता है, जैसे प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है, वसा का लाइपेज एंजाइम से, और प्रोटीन और वसा ये तो आपके भोजन के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन और वसा। शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि कौन सी होती थी, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। नरजनन हार्मोन कौन सा होता है, एक तो नरजनन, एक मादा जनन है ना, तो नरजनन एक तो टेस्टोस्टेरोन, एक होता है एंड्रोजन होता है ना, और मादा जनन की कहें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। इंसुलिन तो आपकी बीटा कोशिकाएं स्रावित करती है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं। थायराइड ग्रंथि आपके थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व होगा आपका आयोडीन है ना, और आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि से गलगंड रोग हो जाएगा, जिसको गेंगा रोग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सबको बताएं, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज रोग कहते हैं ना, मधुमेह। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गेंगा रोग हो जाता है, अभी अपन ने बात की, ठीक है। नेक्स्ट, पादप वृद्धि संधमक हार्मोन कौन सा है, एफसीसी का अम्ल है, जिसको एबीए कहते हैं, एबीए एफसीसिक एसिड। हार्मोन शरीर में लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है, वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनल ग्रंथि स्रावित करती है एड्रेनलिन हार्मोन, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकाल के समय ये स्रावित होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को कौन सा तंत्र सुगमता प्रदान करता है, परिधि तंत्रिका। आपके तीन प्रकार के तंत्र होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, ये होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये होगा आपका परिधि तंत्र। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहाँ पर होता है, वो होता है आपके अग्र मस्तिष्क में है ना, आपको पहले पीयूष ग्रंथि ये अग्र मस्तिष्क में होती है।
मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग कौन से? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। और ये मेरुरज्जु क्या करता है? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, परिधि तंत्रिका तंत्र में आपकी एक तो कपाली तंत्रिका होती है, एक मेरु तंत्रिका होती है। ठीक है, कपाली तंत्रिकाएँ 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिकाएँ कितने जोड़ी होती हैं आपकी? 31 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाएँ होती है आपकी 31 जोड़ी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, प्रागनलिका का बीजाणु की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है? रसायनोवर्तन कहलाता है। रसायन के कारण ये प्रागनलिका बीजाणु की ओर वृद्धि करती है। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में समन्वय रासायनिक पदार्थ द्वारा क्या होता है? पदार्थ द्वारा होता है, उसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, है ना। पादप हार्मोन्स ये भी होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, है ना, इथाइलिन और एफसीसी, ये 5 पादप हार्मोन है। आप याद रखो, साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अपने पहले भी इसकी बात कर ली। नेक्स्ट, तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को किसके द्वारा पहुँचाता है? विद्युत आवेग के द्वारा। हमारे शरीर में जो सूचनाएँ होती है विद्युत आवेग के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचती है, और मस्तिष्क उन क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल जाती है ना, पेशियां अपनी आकृति को क्या करते हैं? बदल देते हैं और गति करने लगती है। हार्मोन पादप रोग के शीर्ष भाग को संश्लेषित करता कौन करता है? वो ऑक्सिन हार्मोन करता है ना, ऑक्सिन। पादप हार्मोन अपने संश्लेषण से द्वारा क्रिया, तो ये विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्या करते हैं? तो गैसीय पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो पादप हार्मोन अपने संश्लेषण क्षेत्र में विसरण द्वारा क्षेत्र तक पहुँचते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, और इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाएं स्रावित करती है आपकी अग्न्याशय की। ठीक है, नेक्स्ट, अति लघुद्रात्मक एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? हृदय पर, है ना। एड्रेनल ग्रंथि स्रावित करती है एड्रेनलिन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन होता है ना। जब कोई घटना घट जाती है तो आपकी हृदय की धड़कन बहुत बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उसका नियंत्रण एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा होता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा संचालित होती है? मेरुरज्जु द्वारा, है ना। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कितनी है? कपाल तंत्रिका होती है 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त शर्करा घटाने में कौन सा हार्मोन? तो रक्त शर्करा को घटाने में आपका इंसुलिन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेडुला उब्लगटा का अस्तित्व होता है, ये पश्चिम मस्तिष्क में होता है ना, मेडुला उब्लगटा, जो आपकी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे रक्तदाब, लार, वमन, इनका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला उब्लगटा करता है। तना प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण मुड़ जाता है? ऑक्सिन हार्मोन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, मिश्रित ग्रंथि क्या है? वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी होती है, बहिस्त्रावी होती है, उसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि तो हार्मोन का स्रावण करेगी, और बहिस्त्रावी ग्रंथि पाचक रस का स्रावण करेगी, और वो होगा आपका अग्न्याशय। तो अग्न्याशय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं उसको। ठीक है, परागनलिका का बीजाणु की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रसायनुवर्तन है ना, रसायन के कारण। पादप की जड़ों की गति किस प्रकार की? तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, और जो आपकी पादप की जड़ें होती हैं वो भी नीचे की ओर ही जाएगी जमीन के अंदर, तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। जबकि जो पादप की वृद्धि हो रही ना ऊपर की ओर, वो आपका ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट, पादप में रासायनिक समन्वय किस रसायन के कारण होता है? तो पादप में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के कारण होता है, हार्मोन्स। पौधों के किस भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है? तो जड़ और तने में ऑक्सीजन का छिड़काव करोगे तो तने की वृद्धि बढ़ जाएगी, है ना। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, याद रखना। सबसे बड़ी कोशिका पहुँचे तो यकृत, याद रखना। सबसे लंबी कोशिका पहुँचे तो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होता है? मस्तिष्क होता है। मानव शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका और अंतस्त्रावी तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान उसको सिनेप्स कहते हैं। छुई हुई पादप की पत्तियों में कंपा गुंचन गति पाई जाती है ना, हाथ लगाएंगे तो मुरझा जाएगी। जंतुओं में सूचनाएं संचारित करने वाला रसायन कौन सा है? तो हार्मोन्स होता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं जंतुओं में भी। मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से? तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में किस भाग में भूख प्यास का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क होता है ऐच्छिक क्रियाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया अभी बताया था, अचानक क्रिया होने वाली जो क्रिया होती है उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं ना। पादपों में रासायनिक समन्वय, जो पादप हार्मोन्स होते हैं ना, वो पादपों के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन तो क्या करता है, शीश प्रभाविकता को प्रभावित करता है, साइटोकाइनिन होगा कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, एब्सिसिक अम्ल होगा जो गैसीय हार्मोन है, वृद्धि संदमक हार्मोन जो क्या करेगा पादपों की वृद्धि को रोक देगा, इस प्रकार पादपों में रासायनिक संबंध हार्मोन द्वारा होता है। वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, तो एक तो ऑक्सीन होता है जो पादप की लंबाई में वृद्धि को बढ़ाता है, जिब्रेलिन होता है यह भी वृद्धि में सहायक होता है, साइटोकाइनिन होगा जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो याद रखना वृद्धि संदमक हार्मोन अभी बताया मैंने FBA, एब्सिसिक अम्ल जिसका छिड़काव करेंगे तो पादप की वृद्धि रुक जाएगी। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा था पादप प्रकाश की ओर कैसे मुड़ जाएगा, तो वृद्धि करता हुआ पादप जब प्रकाश को संसूचित करता है तो ऑक्सीजन हार्मोन प्रयोग के कारण वो प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। जैसे आप किसी पौधे को बंद कमरे में रख दो, केवल रोशनदान को ही खुला रखो, तो आप 2-3 दिन बाद देखोगे वो पौधा रोशनदान की ओर ही झुक जाएगा क्योंकि उसको प्रकाश वहीं से मिल रहा है। नेक्स्ट प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होता है ना, जिसमें क्या होता है दो कोशिकाएं होती है, एक तो संवेदी कोशिकाएं होती है, एक प्रेरक कोशिकाएं होती है। संवेदी कोशिकाएं सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती है और प्रेरक कोशिकाएं मस्तिष्क से सूचनाओं को वापस अंगों तक लाती है। तो प्रतिवर्ती चाप आपको याद रखना। पादपों में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, तो तना प्रकाश की ओर की दिशा में मुड़कर जड़ प्रकाश के विपरीत होती है ना, तो जड़ तो होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और आपके पादप की वृद्धि होगी ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना, तंत्रिका कोशिका जिसमें कोशिका का ध्रुमिका और एक्सोन होती है, ये वाला चित्र आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है बनाना आना चाहिए। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका। अनुवर्तन गति किसको कहते हैं, पादपों में विभिन्न अनुवर्तन, तो पादपों में किसी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसको अनुवर्तन कहते हैं, कोई उद्दीपन होगा उसके प्रति वो अनुक्रिया करेंगे उसी को क्या कहेंगे अनुवर्तन गति। पादपों में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है, जैसे स्पर्शानुवर्तन किसी पादप को स्पर्श करेंगे तो वह मुरझा जाएगा, प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की उपस्थिति में गति, गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण की ओर तो गुरुत्वानुवर्तन है ना, ये भी धनात्मक और ऋणात्मक कहलाएगा। नेक्स्ट अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर, अनैच्छिक क्रियाओं तो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होती है और प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा, अनैच्छिक क्रिया होती है जो हमारी इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती है और थोड़े समय में इसको इन क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रिया तो बिल्कुल अचानक हो जाती है ना। अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय का धड़कन, श्वास लेना, पाचन क्रिया या अनैच्छिक हमारी इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होती, और प्रतिवर्ती जैसे छींकना, मुंह में लाराना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। अचानक आप जा रहे हो सामने सांप नजर आ जाए तो वो क्रिया होगी आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। नेक्स्ट जंतुओं में नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन्स की क्या भूमिका, तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाओं का नियंत्रण करता है ना, और हार्मोन्स विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। विभिन्न प्रकार की अंतस्तरीय ग्रंथियों के नाम और उनके हार्मोन्स यहाँ पर दिए गए। हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को प्रेरित करवाता है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन पिट्यूटराइड हार्मोन है ना, LH हार्मोन, ये सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन जो शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि के कारण गलगन रोग हो जाएगा। ये अधिवक्र एडिनल ग्रंथि एडिनलिन हार्मोन स्रावित, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, अग्न्याशय इंसुलिन शर्करा का नियंत्रण करता है, वर्षण होगा टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वर्षण तो नर में होंगे और अंडाशय मादा में होंगे। नेक्स्ट अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम अभी बताया, एडिनल ग्रंथि एडिनलिन हार्मोन स्रावित करती है और यह हार्मोन विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में स्रावित होता है, इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अवट्टु ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, अवट्टु ग्रंथि कहते हैं अपन थायराइड ग्रंथि को, और थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, इसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय में मुख्य भूमिका निभाता है, आयोडीन इसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम, तो अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित, अग्न्याशय में भी 3 ग्रंथियाँ, अल्फा कोशिका होगी जो ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिकाएं होगी वो इंसुलिन, और गामा कोशिका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये अग्न्याशय ग्रंथि से। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा, तो पिट्यूटराइड हार्मोन होता है और ये वृद्धि हार्मोन होता है ना, इसकी अधिकता के कारण व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाएगी और इसकी कमी हो जाएगी तो व्यक्ति बोना रह जाएगा। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए है ना, और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु। ठीक है, मस्तिष्क का नामांकित चित्र भी आपको आना चाहिए।
मस्तिष्क के तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आपके हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि दिया जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क में मेरु रज्जु और मेडुला ऑब्लॉगेटा है ना, और मध्य मस्तिष्क में आपके कपाली तंत्रिकाएँ आ जाएगी। नेक्स्ट, जीव जनन कैसे करते हैं? जनन पुनरुद्भवन द्वारा जनन किसमें होता है? तो पुनरुद्भवन द्वारा होगा प्लेनेरिया में, है ना। प्लेनेरिया में क्या होगा, आप उसकी पूंछ काट दो वापस पूंछ आ जाएगी, तो वो पुनरुद्भवन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा? तो सबको पता है मुकुलन विधि द्वारा, हाइड्रा में और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होगा। ये बहुविकर्णन द्वारा तो अमीबा में होगा, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में होगा। कायिक प्रबोधन तो जैसे गुलाब या गन्ना है, इसमें कायिक प्रबोधन द्वारा जनन होगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होगा? तो प्लाज्मोडियम भी एक कोशिकीय जीव है, बहुविखंडन द्वारा, बहुखंड उसके प्लाज्मोडियम के शरीर के दो तीन टुकड़े कर दो, दो तीन टुकड़े नए जीव में रूपांतरित हो जाएंगे। नेक्स्ट, परागकोष में क्या होता है? तो परागकोष में परागकण होते हैं, जिसको कहते हैं स्वपरागण पर परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिम्बवाहिनी में शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका नरजनन का भाग। नेक्स्ट, पादपों फल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फल का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइजोपस में जनन की विधि कौन सी? तो बीजाणु समासंग, बीजाणु समासंग होती है राइजोपस में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मुकुलन तो अपन ने पढ़ लिया, यीस्ट और उसमें होगा हाइड्रा में, विकिरण अमीबा में होगा, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में होगा। पत्तियों द्वारा जनन किस में होगा? ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा होगा। आलू तो आपके कंद का उदाहरण है, गुलाब में आपके कायिक प्रबोधन होगा, है ना, केले में। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा विखंडन विधि द्वारा जनन होगा। मानव में निषेचन कहाँ पर होता है? तो फिलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना, है ना। अंडाशय तो मादा जनन का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन का, शुक्राशय नरजनन का, लेकिन जो निषेचन होगा फिलोपियन ट्यूब में होगा। नेक्स्ट, कालाजार रोग किसके? लिस्मानिया के द्वारा होगा, कालाजार लिस्मानिया, लिस्मानिया के द्वारा, है ना, याद रखना। का से काली, ली से लिस्मानिया हो जाएगी। लिस्मानिया में जनन किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन से। यीस्ट में जनन बहुविखंडन से होगा, सबको पता है बहुविखंडन या मुकुलन, मुकुलन याद रखना, मुकुलन यीस्ट में मुकुलन से होगा, बहुविखंडन से तो आपके अमीबा में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, नर में नर हार्मोन कौन सा? दो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एक होगा आपका एंड्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये अनुवंशिक पदार्थ है डीएनए और आरएनए, आरएनए का तो होगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताना, एक कोशिकीय अमीबा, यूलिना, यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाता है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, भ्रूण किसको कहते हैं? निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गोल संरचना बनाता है, उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अधिवर्षण का कार्य क्या है? तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता करना ही अधिवर्षण का कार्य है। यौन संचारित रोग कौन से होते हैं? तो लैंगिक संपर्क के द्वारा होने वाले रोग यौन संचारित, जैसे गोनेरिया है, सिफिलिस है, एड्स रोग है, ये यौन संचारित रोग है। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प तो उसको कहते हैं जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से एक ही हो, उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प, उसको क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता है, तरबूज है, गुलाब है, पिटूनिया है, ये आपके एक लिंगी पुष्प। और उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो, जैसे गुड़हल है, सरसों है, ये दोनों आपके उभयलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट, स्वपरागण और परपरागण किसको कहते हैं? स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाते हैं तो उसको स्वपरागण, और जब परपरागण तो एक पादप के पुष्प के परागण किसी दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिका पर जाते हैं उसको परपरागण कहते हैं, जो वायु द्वारा और जीव जंतुओं द्वारा होता है परपरागण। नेक्स्ट, प्लेसेंटा या अपरा किसको कहते हैं? तो भ्रूण एक विशेष संरचना द्वारा माँ के गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, और प्लेसेंटा द्वारा ही भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। नेक्स्ट, जब अंडा का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? यदि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया नहीं होती तो गर्भाशय की आंतरिक मोटी परत रक्तवाहिनियों के साथ टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलती, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं, और इसकी अवधि 2 से 8 दिन होगी, है ना। और यदि निषेचन हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? अंडाशय और शुक्राणु मिल जाएंगे जिसके कारण ऋतुस्राव नहीं होगा, है ना, और अंडा निषेचित हो जाएगा।
नेक्स्ट गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन कौन सी है, तो ये होगी वैसेक्टोमी जिसमें नर की शुक्रवाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है, और ट्यूबेक्सोटोमी होगी उसमें माता की अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है। कॉपर टी और लुक का उपयोग भी किया जाता है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने क्या कारण हो सकते हैं, तो अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए और यौन संचारित रोगों को रोकने के लिए और निषेचन क्रिया को रोकने के लिए गर्भ निरोधक युक्तियों का काम लिया जाता है। नेक्स्ट नरजनन तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से, तो नरजनन तंत्र में आएंगे आपके एक तो वर्षण आएगा है ना, एक आपका शुक्रवाहिनी आएगी और शुक्राशय और मूत्र जनन मार्ग है ना, तो ये नरजनन के प्रमुख भाग होते हैं। मादा जनन के, मादा जनन में आ जाएगा आपका मानव नरजनन का नाम आगे चित्र, तो आपका नेक्स्ट मादा जनन के मुख्य भाग कौन, एक तो अंडाशय होगा और अंडवाहिनी और गर्भाशय और योनि, ये चार ही आपके मादा जनन के भाग होते हैं। मादा जनन तंत्र का नाम अंकित चित्र। नेक्स्ट कायिक प्रबोधन के लाभ क्या है, तो पौधों में पुष्प में फल कम समय में लगते हैं और पौधे में आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होंगे, आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होंगे कायिक प्रबोधन के लाभ। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक जनन में क्या होगा इसमें और अलैंगिक जनन में क्या होगा, अलैंगिक जनन में नर व मादा क्या होंगे अलग अलग होंगे, जबकि लैंगिक जनन में दो प्राणी भाग लेंगे है ना, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा और इसमें युग्मकों का निर्माण होगा। संतति इसमें आनुवंशिक रूप से जनक के समान ही होंगी अलैंगिक, और इसमें थोड़ी भिन्नता पाई जाएगी लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जैसे अपने जंतुओं में होता है मनुष्यों में होता है लैंगिक जनन, नर व मादा अलग अलग होते हैं, और अलैंगिक जनन में क्या होता है एक ही जीव से नई संतति का निर्माण हो जाएगा, जैसे अमीबा है, युगलिना है, यीस्ट है, हाइड्रा है, इसमें अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ हैं जैसे मुकुलर है, विकर्णन है, बहुविकर्णन है ना, ये अलैंगिक जनन की विधियाँ। हाइड्रा मुकुलन को चित्र द्वारा, तो हाइड्रा में मुकुलन क्रिया द्वारा जनन होता है ना, ये हाइड्रा होता है इसके छोटा सा पर्वत निकलता है इसको कहते हैं मुकुल, ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है यहाँ से अलग हो जाएगा नया हाइड्रा बन जाएगा इसको मुकुलन विधि कहते हैं। अमीबा में विखंडन, ये अमीबा है ना, अमीबा की आकृति अनियमित होगी, बीच में से दो टुकड़े हुए ये दो अमीबा हो जाएंगे है ना, चार टुकड़े हो जाएंगे तो चार अमीबा हो जाएंगे। पुष्प के अनुदेय, ये पुष्प का नामांकित चित्र बनाना आपको आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वर्तिका वर्तिका अग्रस्थि केसर पुंग केसर अंडाशय बाह्य दल दल पुंज है ना, तो ये याद रखना। नेक्स्ट नवा पाठ अनुवंशिकता, अनुवंशिकता का जनक सबको पता है, अनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अनुवंशिक शब्द किसने दिया, तो वो याद रखना बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, बेटसन है ना अनुवंशिक शब्द दिया था। नेक्स्ट मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था, उद्यान मटर पर, पाइसम सेटायोम इसका वनस्पतिक नाम है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट एक संकर संकरण पर प्रयोग, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों एक संकर संकरण पर, एक संकर संकरण किसको कहते हैं जिसमें एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है, तो वो एक संकर संकरण कहलाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, सात जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था है ना। नेक्स्ट प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने है ना। नेक्स्ट मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है लिंग गुणसूत्र, 22 जोड़ी तो आपके काय गुणसूत्र होंगे और एक जोड़ी आपके लिंग गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट समझात अंगों का उदाहरण क्या है, तो समझात अंग कहते हैं किसको, यानी जिनकी उत्पत्ति तो समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो उनको क्या कहते हैं समझात अंग कहते हैं। एक होगा आपका समप्रत्यंग, समरूप, समझात समरूप किसको कहते हैं जिसकी उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन कार्य समान हो, तो ये उत्पत्ति तो समान है लेकिन कार्य अलग अलग हो समझात कहते हैं। जैसे हमारा हाथ है कुत्ते के अग्रभाग, तो हमारा हाथ तो किसी वस्तु को पकड़ने का काम आता है, कुत्ते के अग्रपेर उसको चलने में सहायता करते हैं। हमारे दांत और हाथी के दांत ये भी अलग कार्य होते हैं। आलू और घास का ऊपरी भूस्तर, तो इसका ऑप्शन राइट चार नंबर होते हैं, सभी आपके समझात अंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट विकासी दृष्टि से हमारी किसके से अधिक समानता है, तो ये चिंपांजी से अधिक समानता है, चिंपांजी के और हमारे गुण क्या हैं बराबर लगभग मिलते हैं जुलते हैं। नेक्स्ट मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो मटर का पौधा छोटा होता है आसानी से कम जगह पर उगाया जा सकता है, जीवन काल इसका चार माह होता है, आसानी से दूसरी पीढ़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और मटर में स्वपरागण परपरागण की क्रिया भी आसानी से करवाई जा सकती है, ठीक है, इसलिए मैं मटर का पौधा चुना था मेंडल ने। नेक्स्ट प्रभाविकता का नियम क्या है, तो प्रभाविकता का नियम क्या है, मेंडल ने दो पौधे लिए थे शुद्ध लंबा शुद्ध बोना, उसमें जो संग्रहण करवाया था तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या हो गए लंबे हो गए है ना, तो इसको प्रभाविकता का नियम कहते हैं। और दूसरी पीढ़ी में क्या है, दूसरी पीढ़ी में तीन पौधे लंबे एक पौधा बना हुआ था, तो तीन अनुपात एक तो उनका
फिनोटाइप लक्षण प्राप्त हुआ और एक जीनोटाइप हुआ था, एक अनुपात दो अनुपात एक, एक तो शुद्ध लंबा दो अशुद्धि लंबे और एक पौधा था शुद्ध बोना, ठीक है। तो ये प्रबलता का नियम का अनुपात अब याद रखना। नेक्स्ट, द्विसंकर संकरण से समझाई कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते। द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने गोल पीले बीजों का हरे जुड़ीदार के साथ संकरण करवाया, तो उसमें क्या होगा कि पीले बीज तो नौ थे, हरे बीज तीन, पीले गोल जो गोल पीले बीज तो थे नौ, गोल हरे तीन, जुड़ीदार पीले तीन और जुड़ीदार हरा एक पौधा प्राप्त हुआ, है ना। नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक इनका फिनोटाइप अनुपात था। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट पूछता है ना आपको। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें 22 जोड़ी तो अलिंग और एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र और एक जोड़ी आपका लिंग का निर्धारण करते हैं। नर में तो होगा एक्स वाई, मादा में होगा एक्स एक्स, नर का एक्स वाई, मादा का एक्स वाई, ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो ये लड़की, ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो लड़की, ये वाई इस एक्स से मिलेगा एक्स वाई लड़का, ये वाई इस एक्स से मिलेगा तो भी लड़का होगा। तो ये आप लिंग निर्धारण का चार्ट याद रखना। नेक्स्ट, नई जाति के उद्भव में कौन से कारक सहायक होते हैं। तो दो समष्टियों में भौगोलिक पृथक्करण जिसमें परस्पर प्रजनन नहीं कर पाते हैं, लैंगिक जनन के फलस्वरूप विभिन्न विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण की लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते। क्यों? क्योंकि एकल जीव होगा तो उसमें अनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगी। नेक्स्ट, समझात और समरूप अंग तो अपन ने बात कर ली ऊपर, है ना। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो, समझात और समरूप जैसे जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य एक हो, जैसे चमगादड़ और पक्षी के पंखे समरूप है ना, उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों का उड़ना होता है। नेक्स्ट, जीवाश्म किसको कहते हैं। तो प्राचीन चट्टानों में दबे हुए सजीवों के मृत अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म का जैव विकास प्रक्रम में क्या योगदान, तो जीवाश्म से ही पता चलता है कोई जीव कितने वर्ष पुराना है और पुराने जमाने में किस प्रकार के जीव रहते थे, ये जीवाश्म के द्वारा ही निर्धारण होता है। सबसे पुराना जीवाश्म आर्कियोपटेरस है ना, जिसको जीवाश्म दो भिन्न जातियों के लक्षण पाए जाते हैं ना, इसको योजक कड़ी भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट, आणविक जातिवृत्त क्या है। तो कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन प्रोटीन में परिवर्तन आता है, उसी को आणविक जातिवृत्त कहते हैं। अनुवंशिक लक्षण में डीएनए और आरएनए की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट, स्पीसीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंध में किस प्रकार सहायक होता है। तो दो जातियों के बीच में जितने अधिक समान लक्षण होंगे उनका संबंध उतना ही क्या होगा, निकट होगा, और जितनी ज़्यादा भिन्नताएँ होंगी तो उनके मध्य जो लक्षण होंगे वो भिन्न होंगे। पृथक्करण किसको कहते हैं। एक ही जाति के सदस्यों का उपजातियों में बंटना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। भौगोलिक पृथक्करण, जननिक पृथक्करण आदि होते हैं ना। नेक्स्ट, अवशेषी अंग किसको कहते हैं। प्राणी के शरीर में ऐसे अंग होते हैं जो कार्य की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, उनको अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मानव नेत्र में जो निमेषक पटल है वो अवशेषी है, कर्ण पल्लव की पेशियां वो भी क्या है, अवशेषी है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम आप याद रखना होमोसेपियंस होता है। क्या होता है, होमोसेपियंस। मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ था, कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से होता है, तो ये भी आप याद रखना। इसी के साथ ये बायो के मैंने आपको 6 से लेकर 9 बार तक के प्रश्नोत्तर अपन ने देखे थे, इनको आप और ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अपन फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।